तो भैया बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किए हैं, आप लोग सुनिएगा लिंक के माध्यम से। तो भैया कैसा लगा? मस्त, सुपर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपने स्टूडियो पर होली का गाना गाने के लिए, जो कि कल परसों में रिलीज होगा। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से स्टूडियो जाने के लिए, जहाँ से मैं होली का गाना रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं अपने बेबो पर हूँ, और हमारे साथ में बड़े भैया नवनीत संगम जी हैं, जो कि हमारे बड़े भैया भी हैं और बहुत अच्छे गीत भी लिखते हैं और एक डॉक्टर भी हैं। तो चलकर हम स्टूडियो पर आप लोगों को दिखाते हैं, अपना स्टूडियो दिखाते हैं, और कैसे आने रही है हमारे ब्लॉग में। चलिए आप लोग को चलते हैं अपने स्टूडियो पर लेकर। चलिए दोस्तों, तो हम लोग फाइनली स्टूडियो पर आ चुके हैं अपने माँ सत्य रिकॉर्ड स्टूडियो पकवैनार। तो आप सभी को दिखाता हूँ मैं अपना स्टूडियो, और देखते हैं मनीष राजा जी, जो कि यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर है, क्या कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं स्टूडियो में। देखिए हम अपने स्टूडियो में आ चुके हैं, और मनीष राजा जी हमारे ही गानों पर, जो कि मैं अपना एक होली गाना गा चुका हूँ, उसी पर काम कर रहे हैं। और हमारे बड़े भैया नवनीत संगम जी हैं, डॉक्टर नवनीत संगम जी, जो कि स्टूडियो में हैं, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मनीष राजा जी। हेलो, आप कैसे हैं भैया? बढ़िया एकदम, मस्त। आप बताइए, और कैसा लग रहा है गाना? एकदम बढ़िया है, मस्त। तो गाना हमारा रिकॉर्ड हो चुका था, एक हम होली का गाना गाए थे इससे पहले, जो कि रिकॉर्ड हो चुका था। तो भैया उसको मिक्स कर दिए है, और उसमें एक थोड़ा कोरस का काम बाकी रह गया था, तो भैया वही कर रहे हैं। और हम चलते हैं अंदर, जहाँ से हम लोग गाना गाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहीं से हम लोग गाना गाते हैं, जो कि म्यूजिक को सुनने के लिए इस हेडफोन को कान में लगाना पड़ता है। और देखिए बहुत प्यारी तस्वीर माता सरस्वती जी का यहाँ पर भैया लगाए हुए स्टूडियो में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग कुछ बोलते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। और ये बहुत प्यारा स्टूडियो सजा हुआ है, और देखिए अंदर से कैसे लगता है बाहर देखने में, जो कि एक ग्लास बीच में लगा रहता है ताकि नॉइज अंदर ना आए, और इसी में हम लोग का गाना रिकॉर्ड होता है। और यहाँ से भैया डील करते रहते हैं कि कब गाना है, कब सुनना है, कब म्यूजिक बनाना है। और देखिए नवनीत संगम भैया जी कुछ बोलिए आप। हाय फैमिली, कैसे हैं सब? जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम खतरनाक बने रहिए। माहौल को एकदम गंभीर रखिए, तकदीर बदल के रखिए, तस्वीर बदल के रखिए, एकदम आनंद लेते रहिए जीवन का। जहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा आनंद मिल जाए, एकदम ढूंढते रहिए, लेते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एकदम मस्त। देखिए भैया बहुत ही अच्छा गीत लिखते हैं, इनका एक गीत लिखा हुआ है आज 14 फरवरी को, एक हमारा YouTube चैनल ARDS म्यूजिक पर मेरा गाना लॉन्च हुआ है, जिस गाने का नाम है नजरिए के जादू, जो कि बहुत ही अच्छा वैलेंटाइन डे स्पेशल सॉन्ग रिलीज हुआ है, इन्हीं यही भैया लिखे हैं, बहुत ही अच्छा, जो कि आप सभी का बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। और जो भाई लोग आप लोग नहीं सुने हैं, आप लोग जाइए उस गाने को सुनिए, अपना ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। तो कुछ बातें मनीष राजा जी से करते हैं। हेलो दोस्तों, ये सुजीत भाई हैं, और इनका बहुत लाजवाब सॉन्ग आ रहा है, मतलब काम इनका रिकॉर्ड हो चुका है, और थोड़ा सा कोरस और कमेंट बाकी है, तो इसीलिए भी आए हैं, उतने दूर से आए हैं, और
और आते हैं तो बहुत मस्ती और मजाक होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आगे देखिए फिर इनका काम करते हैं और कैसे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, सुजीत भाई दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष राजा जी। तो चलिए आप सभी को मैं कुछ ही देरों में आप लोगों को सुनाता हूँ कि मेरा एक और गाना होली का रिकॉर्ड होने वाला है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली आप लोग देख लिए कैसे हम गाते हैं स्टूडियो में, आप लोगों को कैसा लगा हमारा गाना, और हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इस गाने का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से पूरा गाना को सुन सकते हैं। अभी इस पर सुना देने पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो भैया बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किए हैं, आप लोग सुनिएगा लिंक के माध्यम से। तब भैया कैसा लगा? मस्त, सुपर। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप लोग से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।